गुड मॉर्निंग। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सारा रूल्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल्स को आप लोगों के सामने रखूंगा। और यहाँ मैंने लिया है लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 205। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है वो 2 लाख रुपीज़ का है। वर्क सर्टिफाइड 40,000। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1,600। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 28,000। परचेज ऑफ मटेरियल 10,000। वेजेस पेड 12,000। प्लांट सेंट टू साइट 4,000। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 3,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, सॉरी 3,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,000। मटेरियल इन हैंड 2,000 और मटेरियल रिटर्न 1,000। तो शो ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस इन बैलेंस शीट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ साथ में वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाना है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 के डेबिट साइड में वो आइटम को एक्सप्लेन किया जाता है और पुट किया जाता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में खर्च होता है। तो देखिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परचेज ऑफ मटेरियल डेबिट होगा 10,000, वेजेस 12,000 डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। प्लांट सेंट टू साइट, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में प्लांट जो है 4,000 का यूज हो रहा है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 3,000 है जो प्लांट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में यूज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,000। इसके अलावा कुछ आइटम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसमें है वर्क इन प्रोग्रेस। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हमेशा क्रेडिट में आता है। वर्क इन प्रोग्रेस में 2 आइटम होगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अगर आप पाते हो किसी भी क्वेश्चन में ये 2 आइटम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा नहीं हुआ है। इसका टोटल है 41,600। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 3,600। 4,000 आपका प्लांट सेंट टू साइट था और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 3,600 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बाय क्लोजिंग मटेरियल 2,000 और मटेरियल रिटर्न 1,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा चाहे वो प्लांट हो या मटेरियल हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो आप लोगों को नोटिस करना होगा कि प्लांट जो साइट पे भेजा गया था वो 4,000 का है और क्लोजिंग प्लांट जो है वो हमारे पास 3,600 का बचा है, यानी कि 400 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी प्लांट पे केवल डेप्रिसिएशन को यहाँ शो नहीं किया जाता। यहाँ पे प्लांट का दोनों साइट को रखा जाता है। एक जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तब प्लांट का वैल्यू क्या था, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तब प्लांट का वैल्यू क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करते हैं हम लोग 48,200, उसमें से माइनस करते हैं डेबिट, तो हमारा आंसर आता है टू बैलेंस सीडी 18,200। यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड है सॉरी वर्क सर्टिफाइड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है, इसलिए यहाँ पे पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है 28,000 जबकि वर्क इन प्रोग्रेस है 23,400। आप चाहो तो वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट्स में भी दिखा सकते हो, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिला है 28,000 उसमें वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।